हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो आज एग्जाम हुआ है मैथ्स का उसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन पूरा ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना मतलब कितना ठीक हुआ है आप आंसर्स मैच कर सकते हैं कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए थे और आ, मतलब इसमें आंसर मैंने एकदम पूरा क्लियर पेपर सॉल्व करके लिखा हुआ है एक बार आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा ठीक है और बात रही सेट्स की तो एक दो क्वेश्चन जो सेट के अलग होते हैं वो मैं अलग जो होंगे वो देख मैं करवा दूंगी उसके अलावा आप एक बार देख लीजिए बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ये आपका पेपर है जो आज आया है क्लास ट्वेल्थ का सोल्यूशन देख रहे हैं अब हम ये पेपर है मैं सोल्यूशन देख आ रही हूँ ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें करना है थ्री ए माइनस बी ठीक है थ्री ए माइनस बी बी की वैल्यू दे रखी है थ्री ए माइनस बी की वैल्यू रख दी ठीक है थ्री ए माइनस बी की वैल्यू रखने के बाद आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो क्या आ रहा है ओ सॉरी ऊपर फाइव के साथ वन होगा फाइव वन 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 ठीक है ए की वैल्यू जो आ रही है आपकी वन बाय थ्री और फोर नाइन फोर थ्री सिक्स ठीक है क्वेश्चन सेकंड में आपका ऑर्डर टू है ठीक है और क्वेश्चन uh, थ्री में आपका एफ नॉट एफ एक्स है आपकी आंसर आएगा एक्स प्लस टू ठीक है क्वेश्चन फोर में कॉर्डिनेट आएंगे जीरो माइनस वन बाय रूट टू एंड वन बाय रूट टू ठीक है आगे वाले क्वेश्चन जंक्स एक्सप्लेनेशन में है नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव में आपका है कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस सी ठीक है सिक्स क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन है ठीक है आपका आंसर जो है इट इज़ एन ऑड फंक्शन आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा ठीक है ऑड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करके प्रॉपर्टी ठीक है क्वेश्चन सेवन में आपका ए क्रॉस बी ए प्लस बी ए बी प्लस वन है तो फर्स्ट वाले में है बाइनरी ऑपरेशन ठीक है और सेकंड में है फॉर एसोसिएशन ठीक है एलएचएस आरएचएस लेके हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है दैट मींस कि एसोसिएशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन में ए हमने ले लिया इवेंट फॉर इवन नंबर बी ले लिया इवेंट फॉर रेड ठीक है पी ए पी बी हो निकाल लिए उसके बाद इंडिपेंडेंट के लिए पी ए इंटर बी हो गया पी ए डॉट पी बी ठीक है वैल्यू पुट करिए इसमें भी एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं है मतलब इट इज नॉट इंडिपेंडेंट टेंथ क्वेश्चन में आपका वाई इज इक्वल्स टू ई टू दू पावर टू एक्स ए प्लस बी एक्स है और dy डी एक्स निकाल लिया ठीक है डी वाई डी एक्स निकाला उसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला उसके बाद हमने इक्वेशन टू को टू माइनस टू इंटू इक्वेशन थ्री किया ऐसे ही इक्वेशन टू माइनस टू इंटू इक्वेशन वन किया ठीक है डिटेल्ड एकदम सोल्यूशन है आप देख सकते हैं ठीक है थीके? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछ भी सकते हैं आपके आंसर आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो एलेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें के की वैल्यू आ रही है by 6, और इसका और वाला पार्ट भी और वाले पार्ट भी सारे सॉल्व किए हैं ठीक है थीके? इसमें आपका आ रही है आंसर थ्री बाय थ्री थर्टी टू और दूसरे पार्ट का आ रहा है सिक्सटी थ्री बाय थर्टी टू क्वेश्चन ट्वेल्व में आपका आंसर आ रहा है माइनस थर्टी ठीक है और उसके ट्वेल्व के और वाले का आ रहा है आपका ए डॉट भी आएगा माइनस वन बाई टू और ए माइनस ए माइनस बी जो है उसका मॉड आएगा रूट थ्री थर्टीन में ये थर्टीन में दो आ, आपको ऑपरेशन यूज करना है आर वन आर वन प्लस आर थ्री सी वन सी माइनस सी वन माइनस सी थ्री सी टू सी टू माइनस सी थ्री ये यूज़ करके आपका फॉर्मूला निकल आएगा ठीक है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक है ये फॉर्मूला अपने मैप में, में होता है तो आपका आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी फोर्टीन में सॉल्व करना है ये ठीक है सॉल्व करके आपका एक्स की वैल्यू जो आई है माइनस वन बाई टू माइ और वन बाय ट्वेल्व तो उसका आंसर हो गया नो no सोल्यूशन फिफ्टीन में पहला ए ए लेजन इक्वल टू बी है हमने ले लिया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव uh, दोनों ठीक है तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है ठीक है दोनों है और थर्ड है फॉर नॉट सिमेट्रिक ठीक है नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रू ठीक है ट्रू नहीं है इसका सेकेंड पार्ट भी किया हुआ है और वाले और वाले भी सारे पार्ट सॉल्व किए हैं ठीक है ये नॉट ऑन टू है फिफ्टीन के सेकेंड वाले पार्ट में नॉट ऑन टू आएगा आपने जो सॉल्व किया होगा उसको आप मैच कर सकते हैं सिक्सटीन में आपका पैरल के लिए पता है एम वन इज इक्वल टू एम टू होता है ठीक है डिवाई बाई डी एक्स निकाला एम वन इज इक्वल टू एम टू होता है उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जेंट निकालिए ये इक्वेशन आपकी आई होंगी ठीक है सेकेंड है सेवनटीन सेवनटीन में आपका सॉल्व करके डिवाई बाई डी एक्स आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ठीक है ये सॉल्व करना है सिंपल डेरिवेटिव लेके सिंपल डिफरेंशिएशन करना है उसके बाद सेवनटीन में ये थोड़ा ब्लर हो गया है। सेवनटीन में आपको एक्स टू दावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर बी है एक्स टू वाई को व्यू मान लिया वाई टू द पावर एक्स को वी मान लिया ठीक है डी यू बाई डी एक्स डी डी वी बाई डी एक्स जो है वो जीरो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन उसके बाद यू जो है हमारा एक्स टू पावर वाई है डिफ्रेंशिएट किया ठीक है पूरा डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया ऐसे ही वी को डिफ्रेंशिएट किया डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया ठीक है और हमने क्या करा उसमें वन टू इक्वेशन मान ली और टू थ्री की वैल्यू को वन में पुट कर दिया जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ठीक है पुट करके आपका आंसर ही आ जाएगा एटीनथ में डीवाई डीएक्स वाई जो है डीवाई डीएक्स साइन इनवर्स वर्स एक्स का स्क्वायर ठीक है तो डीवाई डी वाई बाई डी एक्स जो है uh, हमारे ये आ जाएगा उसके बाद उसको डिफरेंशिएट uh, किया रूट वन बाय एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे उसके बाद होल स्क्वायर लेके बस सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन आ जाएगी ये नाइनटीन में आई इज इक्वल टू ये है फर्स्ट इक्वेशन हो गई उसके बाद आई जो है उसको हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लिया ठीक है प्रॉपर्टी लगाई उसके बाद ऐड कर लिया ऐड करने के बाद टू आई की वैल्यू ये आ गई और आई की वैल्यू हमारी आ गई फाइव बाई फोर ट्वेंटी में पुट कर दिया साइन एक्स को टी ठीक है तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया ठीक है उसकी वैल्यू पुट करी देन पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी की वैल्यू आ गई वन और माइनस वन ठीक है उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी वापस तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई ये लॉग वन प्लस साइन एक्स माइनस लॉग टू प्लस साइन एक्स प्लस सी ट्वेंटी वन में पी और क्यू की वैल्यू हो गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ठीक है और सोल्यूशन uh, हमने उसके बाद किया इसका तो हमारे आंसर आया वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी नेक्स्ट है ट्वेंटी वन का और वाला पार्ट ठीक है उसमें आपका आंसर आएगा वन पॉइंट टू माइनस इट डर वाई सी एक्सप्लस वन ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी टू हमने इसमें चार पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें ओ ए ओ ओ बी ओ सी ओ डी निकाल लिया ए बी ए सी निकाल ए बी और सी डी निकाल लिया कॉस्ट सीटा का फॉमूला लगा दिया ये वाला फॉमूला आपको पता ही होगा यहाँ पे हमारा माइनस वन नहीं आ रहा है दैट मीन्स कोलिनियर नहीं है ठीक है यही पूछा था कि है या नहीं है उसके बाद ट्वेंटी में दोनों इक्वेशन देर के हमने पहले उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई एम वन डॉट एम टू जीरो ठीक है एम वन एम टू निकाले लेमडा की वैल्यू निकाली उसके बाद दो चीज़ें पूछ रखी थी उसमें ये भी पूछ रखा था ठीक है कि इंडिपेंडेंट इंटरसेक्टिंग uh, है या नहीं है तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमने ये वाली चीज़ यूज करी ठीक है नहीं है इंटरसेक्टिंग क्योंकि जीरो नहीं आया ठीक है नॉट इक्वल टू जीरो है ट्वेंटी फिफ्थ में ए हमारा है पूरा हमने को जो को फैक्टर्स निकाल लिए ए के एडजॉइंट निकाल लिया इनवर्स निकाल लिया ठीक है ए एक्सल्स टू बी लगा दिया और हमारा आंसर आ गया एक्स क्या आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉर्डिनेट्स एक्स आ गया माइनस नाइन वाई आ गया सेवन जेड आ गया एट ट्वेंटी सिक्स में वाई स्क्वायर इजिकल्स टू फोर एक्स एक्स स्क्वायर इजिक्वल्स टू फोर वाई ठीक है सॉल्व करा दोनों को ठीक है उसके बाद पॉइंट निकल गए एरिया निकल गया तीन पार्ट है देखिए डायग्राम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का एरिया निकाल लिया तीनों का एरिया इक्वल आया सिक्सटीन बाय थ्री इसका और वाला पार्ट भी है उसमें हमने कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल का एरिया निकालना है इक्वेशन की फॉर्म लगा फॉर्मला लगाना है सिंपल ए बी बी सी सी ए तीनों निकालने हैं उसके बाद तीनों का इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर देना है सेवनटीन बाई टू आएगा ठीक है ट्वेंटी एट्थ में इक्वेशन uh, हमने प्लेन की फाइंड uh, करी है तीन पॉइंट से ठीक है ये फाइंड कर ली इक्वेशन अगर सिंपल कार्टीजियन फॉर्म में और वेक्टर में भी पूछी वेक्टर में भी लिख दी और उसके बाद पूछा है एक और पार्ट है उसमें कि टू प्लेन आर पैरेलल इफ नॉर्मल बी बी पैरेलल इसका मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल ठीक है उससे हमने इक्वेशन निकाल ली ट्वेंटी एटथ का सेकेंड पार्ट भी है तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ठीक है पासिंग थ्रू ए और पासिंग uh, पॉइंट भी दे रखा है बी लाइन का इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकालनी है पासिंग थ्रू वन वन जीरो वो निकाल ली उसके बाद ए बी जो है वो क्रॉस uh, एम करेंगे हम वैक्ट क्योंकि पैरेलल टू नॉर्मल है उसके बाद हमने क्या करा इक्वेशन निकाल ली प्लेन की उसमें पुट करके ठीक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना उसके लिए फॉर्मुला लगा दिया एंड आपका आंसर आ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और रूट थ्री आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ट्वेंटी नाइन जो है इसमें हमें के, जो है दो कार्ड्स निकालने हैं किंग है बताना है तो फोर किंग फोर्टी एट अदर्स हैं ठीक है ठीके? और रैंडम वेरिएबल हमने किंग मान लिया तो दो हैं तो ज़ीरो वन टू हो गया पी जीरो पी वन पी टू निकाल लिया ठीक है उसके बाद एक्स करके हमने टेबल बना ली है पूरी ठीक है टेबल बनाने के बाद मीन का फॉर्मला लगाया और वेरिएंस का फॉर्मला लगाया ठीक है अब जितना मैंने सोल्व करके अगर आप इतना भी सॉल्व करते हैं तो आपका आधा नंबर कटेगा बस फिफ्ट फाइव एंड हाफ आपको मिलेगा पूरी कैलकुलेशन करके लिखते हैं तो पूरे सिक्स मिलेंगे और ये आंसर हाँ पीछे में ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन छूट गया था ट्वेंटी फोर्थ ये आंसर है ठीक है एल एक्स है बी वाई एच टू ये है, question, ये है आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन ठीक है ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर आ रहा है सी की वैल्यू थाउजेंड ठीक है ये सॉल्व करके ठीक है तो ये आपका पूरा पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन है और जो आ, मैं अभी और सेट्स देख के भी देखूंगी कि अगर उसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे अदरवाइज़ ज़्यादातर सेट्स में यही मिलेगा आपको ठीक है क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं बस नंबर डिफरेंट होंगे आपको सोल्यूशन सेम मिलेगा ठीक है आंसर सेम ही आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और, और भी अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग